उज्जवल भारत की समृद्ध पहचान, हमारे खुशहाल एवं समृद्ध गांव, जिसमें बसती है भारत की शान। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश की वास्तविक ताकत। जैसे एक कथन है, तुलसी इस देश में भांति भांति के लोग, वैसे ही इस गांव में दो अलग स्वभाव के किसान हैं, जिनकी कहानी भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक हैं हमारे गांव के खुशहाल हसमुख किसान धनी राम, और जिस तरह वो हसमुख हैं तो उसके परिवार में भी खुशियों का बसेरा है। धनी राम अपने लहलहाते खेतों से बहुत खुश है। अब देखें इसी गांव का दूसरा पहलू, बेबस करमचंद और उसका परेशान परिवार। करमचंद अपना खून पसीना एक करके भी ना तो खेतों से अच्छी उपज ला पाता है, ना ही अपनी बीवी के चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान। कमजोर फसल के साथ दो जवान बेटियों का बोझ लिए करमचंद अपने किस्मत को दोष दे देकर दिन काट रहा है। भैया करमचंद सुनो, भैया आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम भाभी को और बच्चों को लेकर रात को खाना खाने मेरे घर ही आना। अच्छा मैं चलता हूँ, पूरे गांव को न्योता देने जाना है। जय राम जी की। बेटी का जन्मदिन, अरे धनीराम अब इतना धनवान हो गया है कि अपनी बेटी का जन्मदिन भी मनाने लगा। हमें तो इस खेती में अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो तुम काहे को अपनी किस्मत को कोसते हो, वो चाहे बेटी का जन्मदिन बनाए या पत्नी का। अरे अपनी किस्मत को न कोसू तो क्या करूं? हम क्या मेहनत करने में कोई कसर रखते हैं? दिन रात खटते हैं अपने खेत में, लेकिन फिर भी वो तरक्की कर रहा है और हम वहीं के वहीं, बल्कि और भी गरीब होते जा रहे हैं। तुम तो बस जलते रहो उसकी तरक्की से, कुछ सीखो मत उससे। अरे तेरा कुछ लगता है क्या, वो बहुत तरफदारी कर रही है उसकी। जिस दिन मेरा नसीब घूम गया ना, उस दिन बता दूंगा कामयाबी किसे कहते हैं। हाँ हाँ नसीब खुल गया ना, इतने दिन से तो सुन रही हूँ, बुढ़ापा आ गया सुनते सुनते। अरे ओ नैना मैना की माँ, ले ये खेत से सोयाबीन काट लाया हूँ। भगवान फिर से हो गया बेड़ा गर्क। सुन रहे हो मीना के बापू? अरे काहे चिल्ला रही है? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? इस बार भी फसल में कीड़े और बीमारियां हैं। मुझे नहीं लगता कि एक दो बोरी भी उत्पादन निकलेगा एक एकड़ से। अरे इतनी मेहनत तो की थी मैंने, इस बार दवा भी डाली थी। मुझे समझ में नहीं आता तुम इतने बीज भी डालते हो, ऊपर से मजदूर भी रखते हो चारा निकलवाने के लिए, इतना ज्यादा खाद डालते हो लाला से उधार ले लेकर, कर साल भर मेहनत भी करते हो फिर भी उत्पादन इतना क्यों नहीं निकलता। अभी कुछ दिन पहले खेत गई थी तो वहाँ पर फसल से ज्यादा तो खर पतवार थे और ऊपर से सारी फसलों में कीड़े और बीमारियां भी। अरे तो अब मैं करूँ क्या, एक एक कीड़े को पकड़ पकड़ के मारूं और खराब फसल को ढूंढता बैठूं? बच्चों की तरह देखभाल करता हूँ मैं अपने फसल की। अरे दुनिया इतनी आगे निकल गई है और तुम वहीं के वहीं। जाओ जाकर पूछो धनीराम से सोयाबीन की खेती की नई तकनीक। लोगों क्या सोयाबीन की खेती से सोना बरस रहा है और हमारी किस्मत फूटी के फूटी। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी जो दोनों बेटियां उनकी शादी कैसे करेंगे। अरे मन ही मन क्या गाली दे रहे हो, जाते क्यों नहीं धनीराम के पास सीखने के लिए सोयाबीन की खेती की नई तकनीक? उससे पूछे मेरे ठेंगा। क्या कहा? हाँ अच्छा तो संभालो अपनी धर्मशाला, जा रही हूँ मैं अपने मायके। क्या मतलब? मतलब गया भाड़ में, और अब कर लेना नैना मैना की शादी अकेले। अब क्या होगा करमचंद, लगता है ये तो दोनों बेटियों के ब्याह की जिम्मेदारी भी मुझे अकेले पर ही डाल गई है। अब तो धनीराम के पास जाना ही पड़ेगा और कम लागत पर सोयाबीन की ज्यादा उपज और मुनाफे का राज उससे जानना ही पड़ेगा। मैं भी उससे सीधी तरह नहीं पूछूंगा,
नहीं तो उसके सामने मेरी नाक नीची हो जाएगी। मैं भी दिमाग लगाऊंगा। चल बेटा करमचंद। इस धरती पे किसने जन्म लिया? धनीराम। हाँ। अरे भाग, अरे सोयाबीन की फसल की बर्बादी का समय आ गया। क्या धानू का खेती की नई तकनीक के होते फसलों की बर्बादी? नामुमकिन। धानू का? ये धानू का खेती की नई तकनीक क्या है? हाँ, वही जिसे अपनाने से फसलों में बहार आ जाए। अरे मगर है क्या? अरे भाई, जिसे अपनाने से किसान के जीवन में न भूखमरी आए न गरीबी आए, बल्कि वो उसे अपनाएगा तो जल्दी ही मेरी तरह धनवान बन जाएगा। अरे क्यों पहेलियां बुझा रहा है यार, जल्दी से बता क्यों नहीं देता? बता दूं? क्यों तरसा रहा है यार, बता देना। बताता हूं। नहीं लेकिन तू एक काम कर, आज शाम को चौपाल में आ जा। क्यों? अरे भाई, आज चौपाल में कृषि वैज्ञानिक इस तकनीक के बारे में सबको जानकारी देने वाले हैं, इसलिए तू चौपाल में ही आना, तुझे सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा? हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं चौपाल पे। जरूर मिलते हैं चौपाल में। जय राम जी की। किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। देश की एवरेज सोयाबीन की पैदावार देखें तो आज 10 क्विंटल से ज़्यादा नहीं है, जबकि हम विदेशों में अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे देशों से तुलना करें तो उन देशों की एवरेज पैदावार 27 से 30 क्विंटल है। आज हमने सोचा कि किसान भाइयों को पूरे देश में ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए कि अगर धानू का खेती की नई तकनीक वो अपनाएं तो वो भी अपनी पैदावार और अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं। इसकी चर्चा खास तौर से डॉक्टर भटनागर साहब, डॉक्टर ओपी सिंह साहब आपसे करेंगे, लेकिन मैं एक दो छोटी छोटी बात आपसे करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1965 में उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारे एक और प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस नारे में जय किसान जय जवान के साथ जय विज्ञान जोड़ दिया। अगर आज हम जो विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है, अगर उसका हम सही इस्तेमाल करें तो हर किसान की पैदावार बढ़ सकती है और हमारे देश की काफ़ी तरक्की हो सकती है। तो किसान भाई और राम राम, आज जो धानुका समूह से जुड़ा हूँ उसका विशेष एक कारण सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा समूह है जो अपने उत्पाद को बेचने के ही लिए नहीं है इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य है कि किसान की कैसे समृद्धता बढ़े, कैसे उत्पादकता बढ़े। आज देश में जितना उत्पादन खाद्य तेल का हो रहा है, जहाँ तक खाद्य तेल उत्पादन का संबंध है, हमारे यहाँ के ही किसानों ने भी 30 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल सोयाबीन तक काटी है। तो जब ये लोग काट सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं काट सकते हैं? इसका कारण केवल ये है, कुछ बातें हैं जिसकी वजह से सोयाबीन की उत्पादकता का पूरा दोहन नहीं हो पाता है। तो आज मैं आप मुख्य मुख्य बातों में आप बताऊंगा कि क्या उत्पादकता तकनीक, उत्तम उत्पादकता तकनीक सोयाबीन की है, जिसकी वजह से हम इसकी जो क्षमता है सोयाबीन की उत्पादकता का, और क्षमता मैं कहता हूँ भारतवर्ष में क्षमता 35 क्विंटल 40 क्विंटल की है, किंतु औसत उत्पादकता 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बड़ी आसानी से आ सकती है अगर किसान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखे। मेरा ये विश्वास है कि अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, गहरी जुताई, पौध संख्या, सही पौध संख्या करेंगे, रखेंगे, बीज को उपचारित करेंगे वीटावैक्स से, सही समय पर खरपतवार नियंत्रण करेंगे, सही समय पर आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, कटाई कर लेंगे, गाही कर लेंगे, तो किसी हालत में 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से कम उपज नहीं आ सकती है आपकी। और अगर पूरा भगवान ने साथ दिया तो 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज अवश्य आएगी। धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसा कि कृषि विशेषज्ञ ने बताया, सोयाबीन की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बीजोपचार करें, और इसके लिए धानुका खेती की नई तकनीक के अंतर्गत आप संपूर्ण बीजोपचार करके ही बोनी करें। मेरा नाम पीरूलाल पाटीदार, पिताजी का नाम नंदलाल जी पाटीदार, गांव पोस्ट नगरा, जिला रतलाम। मेरे पास 80 बीघा ज़मीन है, 20 वर्ष से मैं खेती कर रहा हूँ। 70 बीघे में सोयाबीन लगाया,
10 बीघे में सब्जी मक्का और अन्य मैंने विटाविक्स पावर से बीज उपचारित किया था और बीज एक समान अच्छा विटाविक्स पावर मिलाया, उसके बाद मैंने बोया तो एक समान अच्छा अंकुरण हुआ। मेरा नाम भगवान सिंह पटेल, पिताजी का नाम जादू सिंह पटेल, ग्राम अनारत, जिला धार। मैं 10 साल से सोयाबीन की खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 70 बीघे ज़मीन है। मैं किसान भाइयों को एक सलाह देता हूँ कि बीज उपचार में विटावेक्स का प्रयोग करें और अच्छा फायदा ले, और निंदाई में खरपतवार में वो दो कदम का प्रयोग करें, इससे अच्छी बढ़िया उपज का ले। उसके बाद में मैंने फिर धनजैम गोल्ड धानू का कंपनी का डाला, उससे मेरे खेत में ये 40 से 50 फली के लगभग अपने खेत में आई है। और मेरा एक सुझाव है कि किसान भाई से ये निवेदन करता हूँ कि मैंने डाला ये चीज़ आप भी डालें, आप भी पूरा पूरा इसका उपयोग ले और इसका मुनाफा ले। और ये मेरी आपसे किसान भाइयों से सलाह है। जय राम जी की। मेरा नाम बने सिंह चौहान है, मैं ग्राम लोहारी बुजुर्ग तहसील इंदिराधार मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मैंने बीए एलएलबी तक शिक्षा प्राप्त की है। सोयाबीन की खेती के लिए जो धानुका कंपनी ने जो खेती की नई तकनीक ईजाद की है तो उसके तहत अपन अच्छे स्वस्थ अंकुरण के लिए और उसके जो उसके बाद में जो खरपतवार जो है उसका संपूर्ण नियंत्रण हम कर लेते हैं और उसके बाद जो पोषक प्रबंधन जो सोयाबीन का है उसको अगर कर लेते हैं हम तो 30 से 35 क्विंटल तक सोयाबीन आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये जो तकनीक अपना रहे हैं इससे हमको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और हम 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टर सोयाबीन प्राप्त कर रहे हैं। भाई वाह, धानू का खेती की नई तकनीक तो है बड़ी दमदार। धनीराम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी अपने खेतों में धानू का खेती की नई तकनीक को अपनाऊंगा और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाऊंगा। मेरे खेत भी फिर से सोना उगलेंगे। धानू का खेती का मंत्र 1 2 3 दमदार सोयाबीन को मैं अपने खेतों में ज़रूर अपनाऊंगा। और हाँ, अपनी फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी धानुका की सभी दवाओं का उपयोग करूंगा। सही बात। इसी तरह से अपनी खेती को मैं उन्नत बनाऊंगा और मेरे खेत जब सोना उगलेंगे तब अपनी बीवी के लिए सोने का हार बनवाऊंगा। अरे बेटियों का ब्याह भी तो करना है। बिल्कुल सही बात। तो अब हमें पूरा विश्वास है धानू का खेती की नई तकनीक बदलेगी हर किसान की तकदीर।